प्रश्न तीन, एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। दिया क्या है, एक मिनट में परिक्रमण अर्थात वो घूमता है कितने 360, एक मिनट में वो 360 चक्कर लगा लेता है। अब एक मिनट से क्या अभिप्राय है 60 सेकंड, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ, इसका मतलब हुआ कि 60 सेकंड में परिक्रमण बराबर है 360। तो एक सेकंड में हम परिक्रमण निकाल सकते हैं, 360 में हमने 60 का भाग लगा दिया तो इसलिए एक सेकंड में परिक्रमण कितने हो जाएंगे 360 बटे 60 अर्थात 6 परिक्रमण, एक सेकंड में वो 6 परिक्रमण कर लेता है। अब हम जानते हैं कि जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो इससे अभिप्राय क्या है 360 डिग्री घूमना, 360 डिग्री घूमना, 360 का क्या अभिप्राय होता है 2 पाई रेडियन, अर्थात जब वो 6 परिक्रमण कर रहा है तो वो कितना हो जाएगा, कितना घूमेगा वो रेडियन में, यदि हम निकालें तो 6 को हमको 2 पाई से गुणा करना पड़ेगा तो इसलिए एक सेकंड में परिक्रमण द्वारा बना कोण कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 इंटू एक चक्कर में है 2 पाई तो 6 को हमने 2 पाई से गुणा कर दिया, इतने रेडियन कितना हो गया 12 पाई रेडियन। तो पहिए द्वारा एक सेकंड में जो कोण बना वो होगा 12 पाई रेडियन। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण माप बनाएगी, आई बराबर 22 बटे 7 लेना है। तो देखो यदि एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, मान लिया वृत्त के केंद्र पर थीटा रेडियन बनता है, ये थीटा रेडियन में माप है और चाप L द्वारा बनता है जबकि वृत्त की त्रिज्या R है तो संबंध क्या होता है L बराबर R थीटा, थीटा यहां रेडियन में होता है डिग्री में नहीं होता है। तो यहां हमें त्रिज्या तो दे रखी है 100 सेंटीमीटर अर्थात R का मान हमें मिला है 100, तो R बराबर यहां है 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर अर्थात L बराबर हमें मिला है 22 सेंटीमीटर, तो हम थीटा निकाल सकते हैं इस संबंध से रेडियन में, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा L बटे R अर्थात 22 बटे 100 रेडियन, ऐसा हमें प्राप्त होगा। अब रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है तो हमारे पास क्या संबंध है, एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री के, ये हमारा संबंध है तो मुझे इसको 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा तब मुझे डिग्री माप मिलेगा, तो माप हो गया 22 बटे 100 इंटू 180 बटे पाई और पाई का मान होता है 22 बटे 7, यहां हमें प्रश्न में भी दे रखा है तो पाई का मान मैंने लिख दिया 22 बटे 7, 7 ऊपर आ जाएगा, इसको अब हम सरल कर लेते हैं तो 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 तो 5 आ गया यहां, ये हो गया 9, 9 सत्ते 63 बटे 5 डिग्री के, इसको हमें अब सरल करना है तो 63 में मैं 5 का भाग लगाऊं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 डिग्री तो पूरे पूरे हो गए और 3 बटे 5 डिग्री हो गया जिसको हमें मिनट में बदलना होगा, तो ये हो गया 12 डिग्री प्लस 3 बटे 5 डिग्री, ऐसा आ गया।
एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो इसको यदि मैं 60 से गुणा कर दूं तो मैं मिनट में प्राप्त कर लूंगा, तो ये हो गया 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट के, सरल कर लिया, 12 × 3 = 36, अर्थात ये हो गया 12 डिग्री और 36 मिनट। तो इस प्रकार जो डिग्री माप में हमने कोण प्राप्त किया है वो है 12 डिग्री 36 मिनट। पांचवा प्रश्न है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो जीवा हमने बना दी, ये भी 20 सेंटीमीटर की है और ये पुनः इसको केंद्र से मिला दिया, तो यहां पर क्योंकि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी त्रिज्या है तो ये भी 20 सेंटीमीटर है। मान लिया वृत्त का केंद्र है O, जीवा AB द्वारा हम निरूपित करते हैं। अब यहां हम कैसा त्रिभुज पा रहे हैं, OAB जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के जो अंतः कोण है वो समान होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब इस चित्र में यदि हम देखें तो हमें R की लंबाई पता है, R बराबर है 20 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो R बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। जो कोण बन रहा है थीटा वो कितना है, 60 डिग्री, थीटा बराबर है 60 डिग्री, इसको हम रेडियन में बदल सकते हैं, हमारा क्या कन्वर्जन होता है, एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, मुझे इसको 60 से गुणा करना है तो ये हो गया पाई बटे 180 इंटू 60 रेडियन, मान कितना आ गया, पाई बटे 3 रेडियन, ये हमारा थीटा का मान हो गया। अब हमें संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि छोटा चाप तो 60 डिग्री के सामने वाला होगा, ये तो बड़ा कोण है, तो बड़े कोण के सामने वाला बड़ा चाप होगा, छोटे को अंतः कोण के छोटे कोण के सामने वाला छोटा चाप होगा, तो चाप एबी की लंबाई को हम एल द्वारा निरूपित करें, तो एल बराबर आर थीटा, ये हमारा सूत्र है, आर का मान है 20, थीटा बराबर है पाई बटा 3 रेडियन, तो इतने सेंटीमीटर हमें चाप की लंबाई मिलती है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 20/3 पाई सेंटीमीटर। तो जो संगत छोटे चाप की लंबाई है वो 20/3 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं, अलग अलग त्रिज्याओं के हैं, तो हमने पहला वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है, दूसरा वृत्त ये है, ये इसका केंद्र है, जो चाप है उनकी लंबाइयां बराबर है, तो एक स्थिति तो ये है और एक स्थिति ये है, चाप की लंबाई बराबर है, ये जो चाप है इसकी लंबाई बराबर है, मान लिया ये चाप तो है ए बी और ये है सी बी, इस वृत्त का केंद्र है ओ और इस वृत्त का केंद्र है ओ डैश, पहले वृत्त में जो केंद्र पर कोण बना है वो है 60 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री के बराबर और यहां ये कोण है दूसरे वृत्त में बना है 75 डिग्री,
ये 75 डिग्री है। चाप की लंबाई हम मान लेते हैं एल है, तो हमें इस त्रिज्या अर्थात आर वन और इस त्रिज्या आर टू इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, हमको 60 डिग्री यहां पर मिला है, पहले इसको हम रेडियन में बदल लेंगे। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये हो गया 60 इंटू पाई बटे 180 रेडियन, ऐसा हो गया। इसको सरल किया तो ये हो गया पाई बटे 3 रेडियन के, ये हमारा थीटा वन का मान हो गया। इसको हम थीटा वन लिख लेते हैं, पहले वृत्त में जो कोण बन रहा है केंद्र पर वो थीटा वन है। दूसरे इसमें देखें 75 डिग्री, तो हम 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटा 180 इंटू पाई रेडियन, ऐसा हमें प्राप्त होता है। सरल कर लेते हैं इसको, तो 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये भी 5 से कैंसिल हो गया, 5 तीये 15 और 5 छे 30, 3 से पुनः कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 पंजे 15 और 12 तीये 36, अर्थात मान आ गया 5 बटे 12 पाई रेडियन, ऐसा हमें मिलता है। अब पहली स्थिति में L का मान क्या हो गया, L बराबर हो गया, L बराबर R थीटा होता है, तो यहां कितना हो गया R1 इंटू पाई बटे 3, रेडियन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं थीटा को। पहली स्थिति में चाप का माप ये हो गया। दूसरी स्थिति में L का मान कितना हो जाएगा, L बराबर R2 इंटू 5 बटे 12 पाई, ऐसा हो गया। इन दोनों समीकरणों से हम L का मान बराबर कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज R1 इंटू पाई बटे 3 बराबर हो गया R2 इंटू 5 बटे 12 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो दूसरे पक्ष में ले गए, तो R1 अपॉन R2 बराबर हो गया 5 ये 15 बटे 12, कैंसिल कर दिया 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, अर्थात 5 बटे 4। तो हमारा जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया, 5 अनुपात 4, R1 अनुपात R2 ये किसके बराबर है, 5 अनुपात 4 के बराबर है, और यही हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्याओं का अनुपात 5 अनुपात 4 है। सातवां प्रश्न, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहले प्रश्न में है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में है 21 सेंटीमीटर। देखो ये तो हो गया एक दोलक, दोलक किस प्रकार से चलता है, उसकी एक स्थिति ये हो जाएगी जब हमने उसको इधर ले गए, फिर वो इस तरफ आएगा, इस प्रकार से उसकी स्थिति हो गई, इस प्रकार से वो एक गति करता है, अर्थात जो हमें वृत्त प्राप्त होता है उसकी जो त्रिज्या होगी वो उस दोलक की लंबाई होगी। 75 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ये लंबाई 75 सेंटीमीटर है, अर्थात जो त्रिज्या बनेगी वो 75 सेंटीमीटर की होगी। तो यहां प्रश्न में R बराबर तो मिला है हमें 75 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति देखें, जब हमें चाप की लंबाई मिली है 10 सेंटीमीटर, तो ये L का माप कितना होगा, ये मान लिया यहां पर है दोलक शुरू में और फिर वो यहां तक चला गया, तो जो चाप की लंबाई हुई वो हुई 10 सेंटीमीटर पहली स्थिति में। तो L की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, L बराबर हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में जो कोण बनता है उसका माप हमें ज्ञात करना है रेडियन में। ये जो कोण बन रहा है ये थीटा क्या है, स्पष्ट है L बराबर होता है R थीटा, ये हमारा सूत्र है। थीटा का मान यदि हम इस सूत्र से ज्ञात करें तो वो डायरेक्टली रेडियन में आएगा, तो इसलिए
थीटा बराबर पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, 10 बटे 75 रेडियन। इसको सरल कर लेते हैं, 5 × 10 और 5 से कटा तो 15 × 5 = 75 अर्थात 2/15 रेडियन। पहली स्थिति में जो कोण बना दोलन करने से वो 2/15 रेडियन है। दूसरी स्थिति देखते हैं, यहां पर हमें दूसरी स्थिति में 21 सेंटीमीटर चाप की लंबाई मिली है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया एल बटे आर अर्थात 21/75 रेडियन। ये हमें थीटा का मान मिलता है।